आज है 5th of July और हम आज सुबह 5 बजे तक मिर्जापुर देखे और अभी हम वीडियो बनाने के लिए बैठे हैं। बट इट्स नॉट दैट ओनली, इट्स जस्ट दैट कि हम आज बहुत कुछ करने वाले हैं इस वीडियो में। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैमोन आचो शोबाई। आज के वीडियो में हम एक गेट रेडी विथ मी वीडियो रखेंगे। एट द सेम टाइम हम एक्टिव एसिड्स के ऊपर एजुकेट करेंगे और आज हम मोस्ट 10 कॉमन एक्टिव स्किन केयर इंग्रेडिएंट्स को चूज किए हैं, विच यू विल सी फर्दर प्रोसेसिंग इस वीडियो में। सो इफ यू रियली वॉन्ट टू गेट योर सेल्फ सम एजुकेशन और आप भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हो कि विच इंग्रेडिएंट टू यूज, व्हाट टाइम एंड व्हेन इन हाउ वेज, सो यू कैन कीप ऑन वॉचिंग क्योंकि ये वीडियो उसी रिलेटेड है। बिफोर आई गो एनी फर्दर विद दिस वीडियो, हम बता देना चाहते हैं कि हम अपने डे स्किन केयर रूटीन और नाइट स्किन केयर रूटीन को बहुत सिंपल रखते हैं। माय फॉर्मूला फॉर द बेस्ट स्किन इज टू गो फॉर CTM रूटीन, दैट इज क्लेंजिंग, ट्रीटमेंट एंड मॉइस्चराइजर। सुबह है तो प्रोटेक्शन, नाइट है तो जस्ट CTM इज फाइन विथ मी। और अगर हम किसी चीज को गलत बता रहे हैं, प्लीज लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि मेरा रिसर्च मेरे को ये बताता है और आपका रिसर्च आपको ये बताता है। सो आप मेरे को जरूर कॉमेंट सेक्शन में करेक्ट करना या सही भी बोल रहे हैं कि नहीं वो भी बताना। देखो, हम कोई डर्माटोलॉजिस्ट या फिजिशियन नहीं है कि हम आपको आपके स्किन टाइप के बिना ही सजेस्ट करेंगे प्रोडक्ट्स। ये सारे कॉमन इंग्रेडिएंट्स है जो कि हम लोग ऑन अ डेली बेसिस यूज करते हैं एंड इन दैट बेसिस ऑफ रिसर्च हम आज ये वीडियो बना रहे हैं। इन नो वेज आई एम इनकरेजिंग यू गाइज टू ट्राई और टेस्ट और डू और एक्सपेरिमेंट विद दिस प्रोडक्ट्स और इंग्रेडिएंट्स विदाउट एनी नॉलेज और विदाउट एनी सुपरवाइजर और प्रोफेशनल हेल्प। ऑल्सो हम सिर्फ एजुकेट करेंगे आपको आज विद द एक्टिव इंग्रेडिएंट्स एंड दैट वुड बी इट। हम हर प्रोडक्ट्स का डिटेल्स तो अभी शेयर नहीं कर सकते, बट आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेकअप, अभी जो मेकअप के लिए हम प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं वो भी रहेगा और कुछ एसिड सीरम्स और मॉइस्चराइजर के जो रिकमेंडेशन होंगे वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। सो प्लीज चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स सो दैट वो इजी हो आप लोगों के लिए टू गेट द प्रोडक्ट्स दैट यू आर लुकिंग फॉर। ओके, सो तीन तरीके के एसिड फॉर्म्स होते हैं, BHA, AHA एंड PHA। फिलहाल हम सिर्फ BHA और AHA के ऊपर बात करेंगे एंड फर्स्ट इंग्रेडिएंट होगा मेरा, विच इज माय गो टू इंग्रेडिएंट्स एंड दैट इज नायासिनेमाइड और निकोटिनामाइड और विटामिन B3। नायासिनेमाइड इज वन ऑफ दैट सीरम दैट आई यूज ऑन डेली बेसिस और ये हेल्प करता है टू टाइटन अप योर पोर्स, सीबम प्रोडक्शन रिड्यूस करता है, अनइवन स्किन टोन को ठीक करता है, ब्लेमिशेस, रेडनेस, इरिटेशन से बचाता है और अगर आपने कुछ हैवी एक्सफोलिएट किया है अपने स्किन को सूद करने के लिए भी नायासिनेमाइड यूज होता है। सन डैमेज से भी प्रोटेक्ट करता है नायासिनेमाइड और डार्क स्पॉट भी ठीक करता है। एनी स्किन टाइप कैन यूज नायासिनेमाइड, AM PM अप्रोप्रिएट है बिकॉज ये बहुत जेंटल होता है आपके स्किन के लिए, तो ये आप किसी भी एक्टिव इंग्रेडिएंट्स के साथ यूज कर सकते हो, देयर इज नो इश्यूज इन दैट। मोस्टली ऑयली टू एक्ने प्रॉन स्किन टाइप को ये प्रोडक्ट ज्यादा पसंद आता है बिकॉज उनके एक्नेस, कॉम्बिनेशन स्किन, ऑयली स्किन के वजह से नायासिनेमाइड वर्क्स जस्ट वंडर ऑन देयर स्किन। मेरा पर्सनल फेवरेट नायासिनेमाइड सीरम है फ्रॉम द मिनिमलिस्ट, मेरे को ये बहुत पसंद आता है और हम इसका बॉटल अप खत्म कर चुके हैं एंड आई लव हाउ दिस सूट्स अप माई स्किन और ये कुछ ऐसा दिखता है। द टेक्सचर ऑफ दिस प्रोडक्ट इज वेरी लाइट वेट, हम टेक्सचर और ये सब दिखाएंगे नहीं तो वीडियो बहुत लंबा चला जाएगा। आई विल जस्ट गिव माई रिकमेंडेशन और नायासिनेमाइड आपको स्पेसिफिकली नहीं खरीदना होगा इन एनी सीरम फॉर्मेट, अगर आप सीरम फॉर्मेट नहीं यूज करना चाहते हो, एनी मॉइस्चराइजर
जो कि आपके रेगुलर रूटीन के मॉइस्चराइजर में पीछे इंग्रेडिएंट्स पढ़ लेना, उसमें नायसनमाइड तो होना ही चाहिए। अगर है तो फिर आपको सीरम नहीं खरीदना होगा, यू कैन ऑलवेज स्विच अप टू द मॉइस्चराइजर। नेक्स्ट अप है हाइलुरोनिक एसिड। हाइलुरोनिक एसिड सबसे कॉमन इंग्रेडिएंट या एक्टिव एसिड है जो कि लोग डेली बेसिस में यूज करते हैं, और ये बेसिकली हाइलुरोनिक एसिड का फॉर्मेट ये होता है कि एयर से, आपके एनवायरमेंट से जो वाटर मिलता है वो सोक अप करके आपके स्किन पे डाला जाता है। लाइक हाइलुरोनिक एसिड वर्क्स लाइक दैट। हाइलुरोनिक एसिड कोई भी स्किन टाइप को सूट करेगा, फ्रॉम ओवरली सेंसिटिव टू सेंसिटिव, नॉर्मल, ड्राई, मॉडरेट, स्ट्रांग स्किन कैन यूज इट, कॉम्बिनेशन स्किन कैन यूज इट। ज्यादातर ड्राई और डिहाइड्रेटेड स्किन को हाइलुरोनिक एसिड पसंद आएगा, क्योंकि हाइलुरोनिक एसिड इटसेल्फ विल गोइंग टू गिव यू दैट मॉइस्चर एंड हाइड्रेशन ऑन योर स्किन दैट योर स्किन नीड ऑन डेली बेसिस। अनदर फैक्ट इज दैट कि आप येट अगेन, जैसा कि मैंने नायसिनामाइड में मेंशन किया कि आजकल नायसिनामाइड और हाइलुरोनिक एसिड इज द मोस्ट कॉमन इंग्रेडिएंट्स जो कि हर प्रोडक्ट्स में यूज होता है आजकल। सो आई विल अश्योर कि आप अपने सनस्क्रीन में चेक कर सकते हो, आप अपने डेली मॉइस्चराइजर के इंग्रेडिएंट्स में चेक कर सकते हो, हाइलुरोनिक एसिड हो सकता है। सो यू डोंट हैव टू बाय अ स्पेसिफिक सीरम फॉर दैट। Disadvantages of hyaluronic acids are, अगर आप dry climate से हो और dry weather condition में रहते हो और air में moisture ज्यादा है नहीं या water resistance ज्यादा है नहीं, water नहीं है अगर environment में, तो वो क्या करता है, आपके skin से ही water खींच के और dehydrate करने लगता है आपका skin। So make sure कि आप जिस क्लाइमेट में रहते हो एटलीस्ट थोड़ा मॉइस्चर या हाइड्रेशन रहता है ओवरऑल, सो दैट यू कैन गेट ऑल द बेनिफिट्स ऑफ द हाइलुरोनिक एसिड। AMPM अप्रोप्रिएट है। दिस इज समथिंग विच कैन गो विद एनी एक्टिव इंग्रेडिएंट्स व्हाटसोएवर, फ्रॉम विटामिन सी, रेटिनॉल, रेटिनॉइड, मल्टीपेप्टाइड एंड एवरीथिंग इन बिटवीन। नेक्स्ट आते हैं एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड ऑल्सो नोन एज विटामिन सी, जो कि बहुत कॉमन होता है, और विटामिन सी यू गाइज नो कि वो डिराइव्ड होता है ऑरेंज या सिट्रस से, एंड एस्कॉर्बिक एसिड इज वेरी यूजफुल फॉर हाइपर पिगमेंटेशन, स्किन डैमेज, और ग्लोई स्किन देता है, ब्राइटन अप करता है, हाइड्रेट करता है, रिड्यूस करता है आपके स्पॉट्स, डार्क सर्कल्स में भी हेल्प करता है, और कोलेजन इंक्रीज करता है विटामिन सी। वैसे तो विटामिन सी आप AMPM रूटीन में यूज कर सकते हो, बट AM रूटीन में इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि आप जब घर से बाहर निकलते हो तो आप पॉल्यूशन, रेडिकल्स और हार्श रेडिएंट से गो थ्रू करते हो, और वो विटामिन सी एज अ शील्ड आपके स्किन पे हेल्प करता है। इसलिए आप देखना मोस्ट कॉमनली प्रोडक्ट्स होते हैं सनस्क्रीन के जिसमें विटामिन सी रहता है। यू कैन नेम एनी ऑफ द सनस्क्रीन, उसमें आपको विटामिन सी जरूर मिलेगा। देखो फाउंडेशन गिर गया फिर से। ये डियोर वाला ना, मेरे को ऐसा लगता है कि ये बैठा ही है मेरे चीजों को खराब करने के लिए, ऐसा लगता है मेरे को। एनीवेज, सो एज आई वॉज मेंशनिंग कि आप अपने सनस्क्रीन में चेक करना, आपको विटामिन सी मिलेगा ही मिलेगा, और कॉमनली सनस्क्रीन में विटामिन सी इस्तेमाल होता है। द रीजन बिहाइंड दैट कि ये हाइब्रिड प्रोडक्ट के हिसाब से बहुत अच्छा काम करता है, सो फॉर दैट यू डोंट नीड एक्स्ट्रा विटामिन सी सीरम येट अगेन। अगर आपका सनस्क्रीन हाइब्रिड नहीं है और नॉर्मल इंग्रेडिएंट से बना है, लाइक द फिजिकल सनस्क्रीन, केमिकल सनस्क्रीन नहीं, सो यू कैन यूज अ सीरम, और सीरम के लिए मल्टीपल प्रोडक्ट्स है। द वन दैट आई विल गोइंग टू प्रेफर यू इज द प्लम का विटामिन सी सीरम, दैट इज वेरी गुड एक्चुअली। एज आई मेंशन सनस्क्रीन, मेरे वाले क्लेंस्टा सनस्क्रीन में विटामिन सी है, एज यू कैन सी दैट। और अभी टिंटेड मॉइस्चराइजर मार्केट में बहुत चल रहा है, तो आप देखना आपके टिंटेड मॉइस्चराइजर में भी विटामिन सी रहता है। फिटमी के इस मेबलिन के टिंटेड मॉइस्चराइजर में विटामिन सी है विथ SPF 50 PA++++। सो दिस आर माई टू रिकमेंडेशन इफ यू आर लुकिंग फॉर हाइब्रिड विटामिन सी प्रोडक्ट्स। एनी स्किन टाइप कैन यूज इट, बट ओवरली सेंसिटिव स्किन या सेंसिटिव स्किन थोड़ा पैच टेस्ट कर लेना। नेक्स्ट आता है ग्लाइकोलिक एसिड। ग्लाइकोलिक एसिड शुगर से एक्सट्रैक्ट किया जाता है
और ग्लाइकोलिक एसिड इज एन एक्सफोलिएटिंग केमिकल एजेंट ऑल्सो नोन एज AHA जो कि हेल्प करता है टू रिमूव द टॉप लेयर ऑफ योर स्किन और डेड स्किन्स और ये वन ऑफ द कॉमन एंड पोटेंट इंग्रेडिएंट होता है। वैसे तो कोई भी स्किन टाइप ग्लाइकोलिक एसिड यूज कर सकता है बट आई विल हाईली सजेस्ट कि जिसके मॉडरेट टू स्ट्रॉन्ग टाइप ऑफ स्किन है वही यूज करे। सेंसिटिव एंड ओवर सेंसिटिव स्किन कैन गेट सम इश्यूज यूजिंग ग्लाइकोलिक एसिड और PM रूटीन में यूज करना बिकॉज ग्लाइकोलिक बहुत पोटेंट इंग्रेडिएंट है। यूजुअली ग्लाइकोलिक एसिड का लोग टोनर यूज करते हैं फ्रॉम द ऑर्डिनरी। अनफॉर्चुनेटली मैंने कभी यूज नहीं किया है तो आई कांट सजेस्ट यू कि वो प्रोडक्ट कैसा है बट रिसेंटली आई हैव स्टार्टेड यूजिंग दिस लिलीज का एक्ने वाइप आउट। इसमें सैलिसिलिक एसिड और ग्लाइकोलिक एसिड दोनों है। सैलिसिलिक एसिड के बारे में हम आगे जाके वीडियो में बताएंगे। दिस इज अ कॉटन वाइप पैड जो कि हम वीकली वंस या ट्वाइस यूज करते हैं ड्यूरिंग इवनिंग टाइम। ऑल्सो ग्लाइकोलिक एसिड का हम प्लम का जो ग्रीन टी रेंज था ना उसका जो नाइट जेल था प्लम का हम वो यूज क्या करते थे क्योंकि उसमें ग्लाइकोलिक एसिड हुआ करता था। दैट्स अ वेरी गुड प्रोडक्ट एक्चुअली। Oily to acne prone skin type will love this product because glycolic acid hyperpigmentation में भी help करता है, acne scars भी remove करता है। Like you will love glycolic acid if your skin suits you. Next is lactic acid. Lactic acid आपको commonly मिलता है milk से और ये बहुत ही gentle होता है rather than the glycolic acid. Because glycolic acid is very potent, at the same time lactic is extremely gentle. So sensitive, oversensitive skin type can also use the products. Lactic acid gently exfoliate karta hai aapke dead skin cells ko. It helps in improving dullness, exfoliates gently, glowing skin karta hai aapka. Hyperpigmentation mein help karta hai, redness and blemishes ko bhi theek karta hai lactic acid. Since ye bahut hi gentle hai aapke skin ke liye, आप इसको डेली यूज कर सकते हो एंड AM PM अप्रोप्रिएट है। अगर आप मुझसे पूछो कि लैक्टिक एसिड का मैंने कोई प्रोडक्ट यूज किया है सो आई वुड से नो, मैंने आज तक लैक्टिक एसिड यूज नहीं किया बिकॉज आई ऑलवेज यूज टू रिलाई ऑन इधर विटामिन सी सीरम और ग्लाइकोलिक एसिड और सैलिसिलिक एसिड और हाइलुरोनिक एसिड और नायासिनामाइड। सो दीज वेर माई थिंग्स कि मैंने लैक्टिक एसिड कभी ट्राई नहीं किया बट लैक्टिक एसिड इज वेरी गुड फॉर द पीपल हु don't like using so much of products or potent ingredients on their skin. Next ingredient है azelaic acid जो कि derived होता है wheat या barley से। ये help करता है uneven skin tone से, redness से, hyperpigmentation से और smooth करता है आपके skin को। वैसे तो ये कोई भी skin type use कर सकते हैं और azelaic acid actually उतना common नहीं होता है बिकॉज ये बहुत डिफिकल्ट होता है टू डिराइव और ये उतने कॉमनली अवेलेबल भी नहीं होता बिकॉज ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है। बट द थिंग इज दैट कि इस प्रोडक्ट को एक्चुअली ज्यादा अटेंशन मिलना चाहिए क्योंकि आप जितने भी प्रॉब्लम से सफर करते हो अपने लाइफ में लाइक ऑन अ डेली बेसिस ड्यूरिंग आई मीन फॉर योर स्किन पर्पज ये सॉल्व जरूर करता है। सो azelaic acid is the answer to all your question that your skin suffers from, but it's just that ki itne commonly available nahi hai and I'm not sure ki India mein azelaic acid ka koi product hai ki nahi. As I mentioned, maine kabhi use nahi kiya hai. Azelaic acid because thoda sa potent ya commonly available nahi hai, I would rather suggest ki aap evening mein ya PM routine mein use karo twice or thrice maybe. मेरे रिसर्च के हिसाब से दैट्स द बेस्ट थिंग यू कैन डू। और कोई रिकमेंडेशन हुआ तो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल देंगे, आप प्रोडक्ट्स चेकआउट कर लेना, हम बेस्ट प्रोडक्ट ही डालेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। मेरा नेक्स्ट इंग्रेडिएंट होगा सैलिसिलिक एसिड विच इज ऑल्सो नोन एज BHA. इट इज कॉमनली यूज्ड इन प्रोडक्ट्स फॉर पीपल लाइक एक्ने टू ऑयली प्रॉन स्किन टाइप। और सैलिसिलिक एसिड डिराइव्ड होता है फ्रॉम ओक बार्क और ये थोड़ा नहीं बहुत अच्छा खासा पोटेंट होता है। 2% इज द हाईएस्ट अमाउंट हमारे प्रोडक्ट्स में मिलते हैं हमें और कॉमनली आपको स्किन केयर बॉडी केयर रूटीन में मिलता है और समटाइम्स इन हेयर केयर ऑल्सो।
तो सैलिसिलिक एसिड हेल्प किस में करता है? ऑयल प्रोडक्शन में रिड्यूस करता है, सीबम प्रोडक्शन रिड्यूस करता है, एक्नेस के बैक्टीरियाज को रिड्यूस करता है, एक्नेस आने कम आने में हेल्प करता है। बस ये BHA है तो ये डीपली पेनिट्रेट करता है आपके स्किन पे। सिंस इट इज वेरी पोटेंट, ये सिर्फ इवनिंग में यूज किया जा सकता है। सैलिसिलिक एसिड हार्डली आपको वंस और ट्वाइस वीकली यूज करना चाहिए। ड्राई स्किन टाइप विल नॉट बी एबल टू यूज दिस प्रोडक्ट्स बिकॉज इसमें इंग्रेडिएंट्स ऐसे हैं जो कि स्किन को और ड्राई अप और डैमेज कर सकते हैं। सो ओनली मॉडरेट एंड स्ट्रॉन्ग स्किन पीपल कैन यूज इट, एंड ऑयली टू एक्ने प्रोन स्किन टाइप कॉम्बिनेशन एंड नॉर्मल स्किन टाइप कैन यूज दिस प्रोडक्ट। बहुत सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं इन द मार्केट। आई जनरली यूज मिनिमलिस्ट का 2% ऑफ सैलिसिलिक एसिड सीरम, ये मेरा गो टू प्रोडक्ट है। फिलहाल हम यही यूज करते हैं वीकली वंस और ट्वाइस मेरे स्किन कंडीशन के ऊपर देख के। एंड दूसरा हम एज आई मेंशन कि आई एम यूजिंग दिस एक्ने वाइप आउट, इसमें भी सैलिसिलिक एसिड है। सिंस इसका परसेंटेज मेरे को पता नहीं है सो दैट्स व्हाई आई कांट टेल यू, बट सैलिसिलिक एसिड 1% या 2% ही होगा, सो आई डोंट हैव एनी इश्यूज विद दैट। ऑल्सो सैलिसिलिक एसिड के पोटेंट होने के वजह से आई विल हाईली सजेस्ट कि ये आप और कोई प्रोडक्ट के साथ मिक्सअप मत करना, स्पेसिफिकली विटामिन सी सीरम, रेटिनॉल से तो बिल्कुल मतलब मिक्स मत करना। लाइक इफ यू आर यूजिंग सैलिसिलिक एसिड डोंट यूज विटामिन सी ऑन द सेम डे और सेम टाइम डोंट यूज इट, और रेटिनॉल और भी सारे प्रोडक्ट्स मत यूज करना। ओ बाय द वे हम ये पैलेट आज पहली बार यूज करेंगे, इट्स द कलर पॉप का वाइल्ड चाइल्ड। इट जस्ट दैट आई एम जस्ट गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड बिकॉज मेरे को मेंशन करना बनता है, सो आई एम जस्ट गोइंग टू मेंशन इट इवन दो आई विल नॉट गोइंग टू टेल कि इसका पिगमेंटेशन या ये सब कैसा है, जस्ट दैट आप अपना स्क्रीन में देख लो। I'm just going to use this product. Now, next ingredient is mandelic acid. और mandelic acid आपको almond से मिलता है, जो almond बादाम खाते हैं उसमें, और ये बहुत ही gentle होता है rather than the glycolic acid or the lactic acid. So it means कि आप ये daily use कर सकते हो और any skin type can use mandelic acid. It's just that mandelic acid के कम products आते हैं, but मैंने देखा है कि ऑर्डिनरी का एक मैंडेलिक एसिड सीरम मिलता है इन नायका, यू कैन चेक इट आउट। और ये जेंटली एक्सफोलिएट करता है आपके स्किन को, और जैसा कि लैक्टिक एसिड और ग्लाइकोलिक एसिड का काम होता है ना टू गिव यू दैट ग्लोई स्किन एंड बेटर अपेयरेंस एंड अनइवन स्किन टोन को इम्प्रूव करना, लाइटन अप करना आपके स्किन टेक्सचर को, दैट्स हाउ द मैंडेलिक एसिड विल परफॉर्म ऑन योर स्किन। पर्सनली मैंने मैंडेलिक एसिड का कोई प्रोडक्ट यूज नहीं किया है सो आई कांट टेल यू इनफ अबाउट दिस प्रोडक्ट, बट एज आई मेंशन कि ऑर्डिनरी का एक मैंडेलिक एसिड सीरम आता है, मैंने देखा है नायका पे, यू कैन चेक आउट दैट प्रोडक्ट इफ यू आर ओवरली सेंसिटिव पर्सन, आपका स्किन किसी भी प्रोडक्ट को सूट नहीं करता, स्पेसिफिकली इफ कम्स टू दी AHA यू कैन ट्राई मैंडेलिक एसिड इन योर रूटीन। आप ट्वाइस शुरू करो वीकली एट इवनिंग, देन स्टार्ट यूजिंग इट 3 days फिर 4 days, ऐसा करके इंक्रीज करते जाओ, आपके स्किन के अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्ट को इंक्रीज या डिक्रीज करो। नेक्स्ट आता है कॉजिक एसिड। कॉजिक एसिड इज एक्सट्रीमली कॉमन इन सम ऑफ द इंडियन ब्रांड्स, और पता नहीं कॉजिक एसिड को बहुत ही ज्यादा प्रोमोट किया जाता है। एंड कॉजिक एसिड इज स्पेसिफिकली डिराइव फ्रॉम एस्परगिलस एंड पेनिसिलियम फंगी। कॉजिक एसिड इज अ नेचुरल मेटाबोलाइट, स्किन को जनरली लाइटन अप करता है, और आपके जो फंगल इन्फेक्शन एक्ने के इन्फेक्शन जो होता है उससे बचाता है, बिकॉज कॉजिक एसिड इज स्पेसिफिकली इज फॉर लाइटनिंग अप योर स्किन टोन, एंड दैट्स वाई एल्बोज या नीज या फूट इन सब जगह पे जो प्रॉब्लम्स होते हैं ना लाइक डार्कनेस के या फिर फंगल इन्फेक्शंस के हमारे फूट में, दैट्स हाउ कॉजिक एसिड विल परफॉर्म ऑन योर स्किन इन योर फेस और इन योर बॉडी। स्किन के पिगमेंटेशंस को कम करता है, अनइवन स्किन टोन को क्योर करता है, मेलेस्मा जिनको होता है ये प्रोडक्ट उसमें भी हेल्प करता है टू इम्प्रूव, हाइपर पिगमेंटेशन एक्ने स्कार्स एक्ने स्पॉट्स इसको भी इम्प्रूव करता है, और फ्यूचर फंगल इन्फेक्शन होने से भी बचाता है।
एनी स्किन टाइप कैन यूज दिस प्रोडक्ट, बट कोजिक एसिड इज अ पोटेंट इनग्रीडियंट, सो आई वुड हाईली सजेस्ट कि सेंसिटिव वाले इसको अवॉइड करें. बट ऑयली टू एक्ने प्रॉन स्किन टाइप और पीपल विद हाइपर पिगमेंटेशन विल लव द कोजिक एसिड प्रोडक्ट्स. पर्सनली मैंने कोजिक एसिड का कोई भी प्रोडक्ट यूज नहीं किया है. आई गेस एक प्रोडक्ट मैंने यूज किया है, इट्स फ्रॉम दिस सिरोना, और वो मेरे एल्बोज, ब्लैक नेक्स, आई मीन डार्कन नेक्स और इन सब के लिए मैंने यूज किया था. बट फॉर द फेस आई हैव नेवर यूज्ड एनी कोजिक एसिड सीरम और फेस मॉइस्चराइजर, टू बी वेरी ऑनेस्ट. को कोजिक एसिड के ऊपर और भी रिसर्चेस वगैरह करने होंगे, फिलहाल मेरे को जितना पता था मैंने आप लोगों को बता दिया. एंड आई विल सजेस्ट कि बिकॉज इसमें लाइटनिंग इंग्रेडिएंट्स, ब्राइटनिंग इंग्रेडिएंट्स है, सो आई विल सजेस्ट कि आप इवनिंग में यूज करो और वीकली ट्वाइस या थ्राइस यूज करो, डिपेंडिंग ऑन द परसेंटेज ऑफ द कोजिक एसिड प्रोडक्ट. आज मैंने 10 ऐसे एसिड्स के बारे में, स्किन एसिड के बारे में बताया जो कि, और मैंने एजुकेट करने की कोशिश की. अब आते हैं आपको स्किन केयर कैसे करना है जब आप ये सारे प्रोडक्ट्स अपने रूटीन में ऐड करते हो. तो सपोज अगर आप ग्लाइकोलिक एसिड या सैलिसिलिक एसिड ये सब यूज करते हो, मेक श्योर कि आप एटलीस्ट 50 SPF का कोई सनस्क्रीन यूज करो. और हम बोलेंगे कि आप अगर एक प्रोडक्ट में आपको ऑलरेडी कोई एक्टिव इंग्रेडिएंट दिखता है, जैसे कि नायसिनामाइड हो या हाइलुरोनिक एसिड हो या विटामिन सी हो या सेरामाइड्स हो, तो उसके लिए आप हाइलुरोनिक एसिड हो तो आप एड ऑन कर सकते हो या माइनस कर सकते हो. बट अगर ये सारे एक्टिव इंग्रेडिएंट्स ऑलरेडी आपके किसी एक प्रोडक्ट में ऐड है, तो और एक्स्ट्रा प्रोडक्ट्स आप अप्लाई मत करो. जैसे कि आप स्किप करो अपने विटामिन सी सीरम अगर ऑलरेडी आपके सनस्क्रीन में वो प्रोडक्ट अवेलेबल है, आप स्किप करो नायसिनामाइड सीरम अगर आपके मॉइस्चराइजर या आपके सनस्क्रीन में नायसिनामाइड है. इन सारे प्रोडक्ट्स को यूज करने से बेनिफिट होगा अगर आप अपने स्किन को डबल क्लेंस करते हो, फिर अपने स्किन को एक समय देते हो हर चीज का टू कोप अप विथ योर स्किन रिचुअल और एक्टिविटीज. और हम बोलेंगे कि हर 2-3 दिन में अपने स्किन रूटीन को थोड़ा सिंपल रखो, ताकि जो प्रोडक्ट्स आप इस्तेमाल कर रहे हो वो और भी ज्यादा आपके लिए फायदेमंद साबित हो. और एक और चीज बोलेंगे, अगर आप कोई एक्टिव इंग्रेडिएंट्स फ्रीक्वेंटली यूज करते हो, जैसे कि नायसिनामाइड, सपोज मेरा नायसिनामाइड और सैलिसिलिक एसिड इज वन ऑफ माई गो टू प्रोडक्ट्स, सो हम क्या करते हैं, हम सनस्क्रीन यूज करते हैं घर में रहने से भी और बाहर जाने से भी. सो सारे प्रोडक्ट्स तभी काम करेंगे अगर आप सनस्क्रीन इस्तेमाल करते हो, और वो भी ब्रॉड स्पेक्ट्रम का होना चाहिए. 50-60 इज द मिनिमम वन विथ 4 टाइम प्लस UVA प्रोटेक्शन. ओके, PA++++. हम कोई क्लेंजर या फेस वॉश या ये सारी चीजें रिकमेंड नहीं कर रहे हैं आज के वीडियो में, बट मेरा जो फेवरेट रहेगा वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा, एक बार चेक कर लेना. जनरली हम फेस वॉश अपना सिंपल रखने का कोशिश करते हैं, बिकॉज यूजुअली आप फेस वॉश क्या कर रहे हो, आप फेस अपना धो लेते हो, तो वो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स को उतना समय नहीं मिलता है आपके स्किन पे काम करने का. बट दैट डजंट मीन कि अगर आपको कोई एक्टिव इंग्रेडिएंट का फेस वॉश यूज करना है और आप रोक रहे हो खुद को, यू कैन यूज इट, बिकॉज इफ यू हैव सो मच ऑफ सीवियर एक्ने, यू शुड गेट अ सैलिसिलिक एसिड वाला फेस वॉश विच विल हेल्प यू टू डीपली क्लेंज अप योर स्किन. और वो एक्स्ट्रा गंक, डर्ट, जो प्रोडक्ट एक्स्ट्रा जो भी रहता है ना, वो निकाल देगा फेस वॉश से. देन यू विल हैव अ क्लीन कैनवस टू वर्क ऑन योर स्किन. यू कैन यूज नायसिनामाइड, यू कैन यूज सैलिसिलिक एसिड, यू कैन यूज हाइलुरोनिक एसिड, यू कैन यूज योर मॉइस्चराइजर, विटामिन सी एंड एवरीथिंग इन बिटवीन आफ्टर दैट. आई नो समटाइम्स बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाता है टू डिफ्रेंशिएट कि आपको कौन सा यूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए कोई एक्टिव इंग्रेडिएंट्स. अगर अभी भी कोई डाउट लग रहा है किसी प्रोडक्ट्स में, आप अपना स्किन टाइप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ. हम क्या करेंगे, अपना स्किन टाइप और स्किन कंसर्न बताओ आपको क्या चाहिए, तो हम आपको कुछ प्रोडक्ट्स रिकमेंड कर देंगे इन दी कमेंट सेक्शन आफ्टर डूइंग माई रिसर्च. विदाउट रिसर्च एंड विदाउट कमेंटिंग, आपके बिना कमेंट के मेरे रिसर्च का कोई फायदा नहीं होगा. तो मैंने आज कवर किया टोटल ऑफ 10 एक्टिव स्किन केयर एसिड और स्किन एसिड्स,
और हम होप करते हैं कि आपको आज का वीडियो थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो। इफ यस, डोंट फॉरगेट टू कमेंट डाउन योर फेवरेट सेक्शन, या मेरे को कौन सा एक्टिव इंग्रेडिएंट्स यूज करना चाहिए कमेंट सेक्शन में बताते जाना, या ऐसा कुछ हुआ है कि मैंने मिस किया है कोई पॉइंट कोई भी एक्टिव इंग्रेडिएंट का, ताकि हम अपने आप को भी एजुकेट कर सके और ज्यादा। वन स्मार्ट बाय सजेशन दैट आई कैन गिव फ्रॉम टुडेज वीडियो इज दैट सबसे ज्यादा आप यूज अगर कुछ करना चाहते हो तो कॉमन एक्टिव इंग्रेडिएंट्स चूज करो, विटामिन सी, सिनेमाइड, मल्टीपेप्टाइड, हाइलुरोनिक एसिड या ग्लाइकोलिक एसिड, ये सारी चीजें बहुत कॉमन होती है। सो कोशिश करो कि आप एक ही प्रोडक्ट से मल्टीपल बेनिफिट यूज पा सको। एंड विद दैट ये होगा मेरा फाइनल गेट रेडी विथ मी वीडियो विद एजुकेटिंग यू एक्टिव इंग्रेडिएंट्स और स्किन इंग्रेडिएंट्स 10। एंड आई होप आपको आज का मेरा ये लुक भी पसंद आया, एट द सेम टाइम मेरे वीडियो का जो इन्फॉर्मेशन जो हम देना चाहते थे आपको इतने दिनों से वो भी पसंद आया। अगर पसंद आया है, थोड़ा सा भी अगर आपको ठीक लगा हो ये वीडियो या इन्फॉर्मेटिव लगा हो या आपने एजुकेशन पाया है इस वीडियो से, तो आई वुड लव टू नो योर एडवाइस इन द कमेंट सेक्शन। मैंने अगर कुछ गलत इन्फॉर्मेशन दिया है तो वो भी मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ। फॉर दी हेल्दी बेनिफिट, फॉर दी हेल्दी गुड स्किन इज वन ऑफ दैट थिंग दैट यू शुड नेवर फॉरगेट इज टू हाइड्रेट योर स्किन, दैट इज टू ड्रिंक वाटर। वाटर से अच्छा कुछ भी नहीं है, ये सब तो चलता रहेगा। एक्टिव इंग्रेडिएंट्स आर समथिंग दैट वी आर कॉमनली प्रैक्टिसिंग नाउअडेज। एंड कुछ और इन्फॉर्मेशन अगर हम मिस किए होंगे तो कमेंट सेक्शन में एक बार चेक कर लेना, ताकि हम अगर वहाँ डिस्क्रिप्शन पूरा अच्छे से लिखे होंगे, अगर कुछ भूल किया होगा मैंने तो हम कमेंट सेक्शन में खुद ही पिंट कर देंगे। आपको आज का बेस्ट पार्ट कौन सा लगा, लेट मी नो दैट ऑल्सो इन द कमेंट सेक्शन। मेरे को नेक्स्ट कौन सा एक्टिव इंग्रेडिएंट ट्राई करना चाहिए वो भी मेरे को बताते जाना। नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी एक्टिव इंग्रेडिएंट्स रेटिनॉल के ऊपर एजुकेशन देने का कोशिश करेंगे, अगर इसमें व्यूज अच्छे आए तो ही, बट ऐसे भी हम दे ही देंगे, मेरा एजुकेशन इसी काम का है। सो अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो यू हैव टू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल, एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो फॉर श्योर। बाई।